हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वाले। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी, गृह मंदिर बनिया, लख खुशियां पात साहिया, जे सतगुर नदर करे। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे अनन प्यारे गुरसिख भाई साहब भाई नंद लाल सिंह जी ने धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं अपनी श्रद्धा अपनी अकीदत बड़ी भावना दे नाल भेंट की है। वो कहिंदे है जम्मू वाला अस्तालमी जे फजले खुद खुर दूषित। वो कहिंदे है कि इस आलम दे अंदर दो जहाना दे अंदर एक परमेश्वर दी पदवी ही सारे संसार लई सिजदा करन दे योग है। उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं ही सारी सृष्टि नमस्कार करती है, सिजदा करती है, मत्था टेकती है। पर भाई साहब कहिंदे है उस वाहिगुरु का स्वरूप नौवें गुरदेव धन गुरु तेग बहादुर साहब जी भी ऐसे महान सतगुरु होए जिन्हां नूं परमेश्वर दे तुल दे फजले खुद जिन्हां उत्ते वाहिगुरू की अपार कृपा ही नहीं, वह वाहिगुरू का स्वरूप हो के संसार ते कृपा करन वाले है। ते उन्हां नूं सारा संसार हमेशा ही सिजदा करदा नमस्कारां करदा। ऐसे गुरदेव धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का अवतार अज तो 400 साल पहला संमत 1678 बिक्रमी और 1621 ईस्वी वैसाख वदी पंचमी दिन मंगलवार नूं गुरद्वारा गुरु के महलां विखे ये वो पावन स्थान है जदों धन गुरु अमरदास साहब जी ने चौथे गुरदेव धन श्री गुरु रामदास साहब जी नूं आग्या कीती सी कि पुरखा इस तरफ जा के तुसी नगरी वसाओ और अमृत का सरोवर तैयार कराओ। तो गोविंदवाल साहिब तो आके धन श्री गुरु रामदास साहब जी ने गुरु के महलां स्थान की इमारत तैयार करवाई जिथे धन गुरु रामदास साहब गुरु अर्जन देव साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने लगभग 58 साल निवास रखिया। और उस स्थान उत्ते ही पिता मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी पूजनीक धन धन माता नानकी जी दे ग्रह विखे अज दे दिन सवा पहर रात रिंदी नूं अमृत वेले धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश होया, अवतार होया। तिनको अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र परछायो। ऐसे महान सतगुरु जिन्हां ने इस संसार उत्ते कितने वड्डे महान पर उपकार किए है। समा बहुत संखेप और सकोचमा है। सात संगत जी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का भोग दे समय की आरंभता का एक श्लोक है जे उस नूं आपां सारे अपने हिरदे विच वसा लईए तां साडा जीवन भी धनता दे योग बन सकता है। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्माकारत कीन। महाराज कहिंदे जिन्हां ने परमेश्वर दे गुण नहीं गाए उन्हां ने ऐसा अमोलक जन्म मनुखा जन्म अकारत ही गवा लिया, निष्फल ही गवा लिया। सिख ने बेनती की महाराज जदों चांदनी चौंक दिल्ली विखे 1675 सतगुरु जी शहादत देन जा रहे सन कि गोबिंद दे गुण किवें गाउणे चाहीदे है, परमेश्वर दे वाहिगुरु दे गुण किवें गाउणे चाहीदे है। तो सतगुरु जी ने इस तरह उत्तर दिता सी कहो नानक भज हरमना
देहबद डलको मीन ए मना ए सिखा परमेश्वर दे गुण इस तरह गाया कर जिवें मच्छी पानी नू नहीं भुलदी पानी नू सदा याद रखती है परमेश्वर दे गुण इस तरह गाया कर वाहिगुरू नू इस तरह चेते रख्या कर क्योंकि ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे बूंद भी होना चातर को क्यों कर तृतावै नाद कुरंक वेद्या सनमुख उठतावै पावर लोभी कुसुम बास का मिला बंधावै तू संत जना हर प्रीत है देख दर्श गावै इस तरह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की वह वैरागमई सिख्या अज आप अपने जीवन का हिस्सा बनाईए कितना वड्डा परउपकार इस लुकाई ते अज कोविड की महामारी दे अंदर ऑक्सीजन की सारे संसार विच वड्डी घाट पैदा हो चुकी है और हजारां की गिणती दे विच ऑक्सीजन दे कारण इस घाट दे कारण दुनिया मर रही है वड्डियां वड्डियां सरकारां तो भी ऑक्सीजन दे प्रबंध नहीं किते जा रहे पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अज तो लगभग 350 साल पहला इस वातावरण के अंदर आन वाली अलामतों तो इस संसार को बचाने लई हजूर ने सुचेत करदे आ श्री आनंदपुर साहब तो लैके उत्तर दक्षण पूर्व पछम चौकुंठां दे अंदर जिथे भी गए अपने कोलों गुरु के खजाने विच्चों धन दे के संगतां नूं आग्या दिंदे रहे कि वध तो वध बिरछ लुआओ बाग लुआओ बगीचे लुआओ और पानी दे सोमे बौलियां खूह सतगुरु जी ने तैयार करवाए कि स्वच्छ पानी दुनिया नूं पीण वास्ते मिले दुनिया निरोगता दे नाल अपना अमोलक मनुखा जीवन बसर कर सके। सात संगत जी अज धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे 400 साल इस प्रकाश गुरपुरब की शताब्दी ते हर प्राणी मात्र दुनिया दे विच जिथे भी बैठा एक एक बिरछ जरूर लगावे सतगुरु जी की याद नूं समर्पित हो करके। और तीसरी बेनती करांगा कि इस हिंदुस्तान की जो अज होंद सानू दिखाई दे रही है जेड़ा ये देश अज दुनिया के एक नक्शे दे उत्ते अपना वजूद कायम करके रख सकिया जे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी जिवें श्री गुरु शोभा दे करता ने कहा है तिलक जनेऊ हर धर्मशाला अटल करी गुर भए दयाला तिलक हर जनेऊ की रख्या वास्ते धर्म स्थानों की रख्या वास्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने शीस का बलिदान ना दंदे तो अज हिंदुस्तान मुसलमान देश वजों जाने जाना सी। और हिंदुस्तान का नक्शा ही यदा वजूद ही दुनिया विच्चों खत्म हो जाना सी किसी नूं पता नहीं रहना सी कि हिंदुस्तान नाम का भी कोई देश है। और इस करके मेरे सतगुरु ने एडा वड्डा परउपकार किया मैं हिंदू धर्म के हर परिवार को अज निम्रता नाल बेनती करांगा कि अपने परिवारों के अंदर एक एक बच्चे नूं सिंह जरूर सजाओ जे तुसीं अपनी होंद दुनिया विच बचा के रखनी है। हर हिंदू परिवार दे विच एक बच्चा गुरु का सिंह सजना चाहिदा ताई असी मानवता दी दुनिया दी सेवा कर सकते हाँ। और खालसे दे निशान दुनिया दियां चौकुंटां दे अंदर झूलने हैं और झूल रहे हैं ये ताई झूलदे रहणगे जे खालसा वड्डी गिणती दे विच जबर और जुल्म दा खिड़े मत्थे मुकाबला करदा होया अपने धर्म विच परपक रह के धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पाए हुए पूर्णियां ते चल के अपने जीवन दे अंदर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दियां सिख्यावां नूं कमावेगा। और मैं नाल इक बेनती करां उस भैड़े समय विच सतगुरु जी ने तमाकू आदिक भैड़े तो भैड़े नशियां नूं इस माड़ियां अलामतां तो साडे समाज नूं बचाया अज आपां नूं भी नशियां तो अपनी कौम नूं अते दूसरियां धर्मां नूं भी बचण दी लोड़ है। इस करके महाराज साहब जी ने एडे एडे महान परउपकार साडे उत्ते कीते है। मैं ज़्यादा समां ना लवां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत शलाघाजोग उपराला किया भावें कि सरकारां ने कहा सी वर्चुअल समागम करो ऑनलाइन समागम करो पर खालसा जी ये गुरु का पंथ है
धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी बौलियां विच्चों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सरोवरां विच्चों खालसा अमृत जल दे चोले छक के वड्डियां वड्डियां बीमारियां तो खालसे ने निजात पाई है। रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। जिन्नी भी दुनिया विच कोविड की बीमारी फैली है जे कोई अपना इलाज दुनिया विच कराउण तो असमर्थ है पूरी श्रद्धा और भरोसे नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहब सरोवर विच आके इशनान करे अमृत जल छके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सरोवरां विच इशनान करे। धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने फरमान किया कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा उन्होंने अरोगता की दात प्राप्त होएगी। सो मैं सिख संगतां नूं भी बेनती करांगा कि आप चढ़दी कला नाल अपने सतगुरु जी दीआं शताब्दियां मनाउणियां। इह शताब्दियां क्यों मनाईआं जांदीआं कि साडे ते अकिरत घणता दा दोष ना लगे। जिन्हां गुरु साहिबानां ने एडे एडे पर उपकार साडे लई एडे वड्डे जफर जाले एडा वड्डा संघर्ष कीता उन्हां दीआं यादां असीं चढ़दी कला नाल नहीं मना सकदे। जे नहीं मनावांगे ता साडे नालों वड्डा किरत कण दुनिया विच होर कोई नहीं होएगा। अकिरत घणता दे अकिरत घणता दे पाप नूं मिटण वास्ते अपने गुरु साहिबानां दीआं शताब्दियां खालसाई जाहो जलाल नाल मनाउणियां। श्रोमणी कमेटी ने बहुत वड्डा उपराला किया हिंदुस्तान दे कोने कोने विच नहीं बल्कि दुनिया भर विच सिख संगतां नूं इह शताब्दी मनाउण लई जागृत किया है और कोने कोने विच सतगुरु जी दी याद विच अज समागम हो रहे हैं। विशेष तौर पर जिस धरती ते अमृतसर साहब सतगुरु जी का अवतार होया अज उत्थे खालसा पंथ समुचे रूप विच जुड़ के निहंग सिंह जथेबंदियां उदासीन संपर्दा निर्मल संपर्दा इस तरह सारा संत समाज सारी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त साहबाना दे जथेदार जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे मुख ग्रंथी साहबान सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी इस तरह तख्त श्री पटना साहब जी दे जथेदार सन्मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी। और मैं बहुत धन्यवाद करदा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर जी और उन्होंने नाल दी समुची टीम का भाई भगवंत सिंह जी सियालका जनरल सकत्तर सरदार सुरजीत सिंह जी पिट्टेवट और मुख्य सकत्तर सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी सारी अंतरंग कमेटी जिन्होंने रात दिन एक करके बहुत वड्डा यह प्रोग्राम लिखिया। सानू अज बहुत वड्डी प्रसन्नता और खुशियां सतगुरु जी के दर तो प्राप्त हो रही हैं। मैं सतगुरु जी के अवतार गुरपुरब की 400 साल शताब्दी से दमदमी टकसाल वालों समुचे संत समाज वालों आप संगतां नूं लख लख वधाई दिंदा और दमदमी टकसाल वालों 10 मार्च तो लैके 21 अप्रैल तक धन बाबा दीप सिंह जी के शहीदी अस्थान से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के शुद्ध पाठ बोध समागम करवाए गए। गुरु के महला स्थान से 21 अप्रैल तो लैके लंगरों की सेवा चल रही है। ये सारा सहयोग श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिता गया। मैं इस लई भी प्रधान साहब का सारी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करना सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे संत समाज की हाजिरी प्रवान करनी भुला चुका खिमा करनिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो धन्यवाद आ बोले सो निहाल। बाबा जी नूं आदर ते सत्कार भेट किया जा रहा मोमेंटो भेट किया जा रहा। सो धन्यवाद करदा स्टेज वालों।